हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं दिव्य कुमार जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे जो इस शो में अक्सर तशरीफ लाते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बात करते हैं, तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। शुक्रिया सर, थैंक यू लिब्रान के। अच्छा दीपक भाई, आज हम ना जाने के कुछ बुनियादी चीजें जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी और उसकी महंगाई, इन्फ्लेशन रेट और इस तरह के जो जितने भी मामले आते हैं उसमें। आपको पता है कि एक तो डॉलर रेट, उसका बड़ा इफेक्ट होता है, उसके साथ साथ पेट्रोल और बिजली के रेट, और साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान की बात करके फिर हम इंडिया के साथ कंपेरिजन करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम बाकी जो चीजें हैं इसकी वजह से जो आम बंदे की जिंदगी पे जो असरात पड़ते हैं इन सारी चीजों के, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर, हम सबसे पहले चलते हैं डॉलर रेट की जानिब, के डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपीज में इस वक्त तकरीबन 295 रुपये रेट है उसका, 295, लेकिन जो ओपन मार्केट है वहां पर ये 300+ में है, तकरीबन 303-304 रुपये। इसकी सर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है ये ऊपर ऊपर जाई जा रहा है, कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है और ये इसकी वजह क्या है ऊपर जाने की? पर देखें, इसके ऊपर जाने की वजह, डॉलर के ऊपर जाने की वजह बहुत सारी होती हैं। पहली होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो हमारे पास जो सर जो डॉलर है वो हम खर्च कर देते हैं ना, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में पे करेंगे। एक्सपोर्ट हमारा कम है क्योंकि हम डॉलर मुल्क में दो तरीके से डॉलर आते हैं, एक रेमिटेंस हो गया और एक आप एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब रेमिटेंस से जो हमारा चलता है गुजारा तो वो चलता है, बाकी जो हमारा एक्सपोर्ट तो इतने कम है कि उससे तो मतलब आप समझें कि अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बुनियाद पे तो वो तो फिर बेड़ा गर्क ही हो। पहली वजह ये है। फिर सर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ जाते हैं, आपके जो लोन है वो भी आपको डॉलर में चुकाने हैं। ठीक है, आप लेते डॉलर में, चुकाते भी डॉलर में। मतलब सर दुनिया में काफी ऐसे मुल्क है जो रुपी में ले लेंगे। इंडिया ने कुछ लोन है वो उन्होंने मसाला बॉन्ड्स इंडिया ने लॉन्च किए थे, तो वो मसाला बॉन्ड के थ्रू लोन लिए थे, वो इंडियन रुपी में लोन लिए थे तो चुकाए भी इंडियन रुपी में। इंटरेस्ट रेट वगैरह जाहिर सी बात है इंडिया ने दिया जो देना था, लेकिन वो इंडियन रुपी में लिए। डॉलर में भी लेता है इंडिया, बट ये कि आप कहीं तो अपना रखो ना, अपनी बात भी तो रखनी होती है ना, हर जगह अगले की थोड़ी ना माननी। और एक ये भी चीज है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं दूसरे की मानने के अलावा। तीसरी सर जो चीज है इसके अंदर, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो कम है और आपके डॉलर का आउटगोइंग ज्यादा है, तो आउटफ्लो आपका ज्यादा है, कमाई आपकी कम है डॉलर में, और आपके पास रिजर्व भी कम है, इतने कम है कि आप अपनी करेंसी को भी स्टेबल नहीं रख सकते। ठीक है, तो फिर डॉलर फ्लक्चुएट होता है। तो ये तीन बड़ी वजहें, वो इसमें जो दो वजह हैं इसमें उसकी वजह से तीसरी वजह तैयार होती है। तो कुछ लोग जो भाई जो कहते हैं कि जी डॉलर लेके रख लो, डॉलर लेके रख लो, यकदम वो लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं, उसकी वजह से भी रेट ऊपर जाता है। बिल्कुल सर, उसकी वजह से जाता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना सर, डॉलर फिर बैंक के अकाउंट में नहीं रखते, घर में रखते हैं लेके। तो आपके वो फॉर्मल इकोनॉमी भी तो आई नहीं, क्योंकि देखिए बैंक में अपने डॉलर अकाउंट में भी रखते हैं तो कम से कम वो काउंट होते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब किताब में वो आता है कि हाँ ये इतने बैंकों में पड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान का जो 11 अगस्त के हिसाब से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 13.379 बिलियन डॉलर। तो अब 13.25 बिलियन डॉलर के आसपास 11 अगस्त के हिसाब से पाकिस्तान का, उसके अंदर सर उस 13.25 में से 5.25 अरब डॉलर तो सिर्फ बैंकों के हैं, तो बैंक अकाउंट्स में रखे हुए। स्टेट बैंक का सिर्फ 8 है, 8 अरब डॉलर। तो ये जो 5.25 है ये लोगों के हैं, कंपनियों के हैं जिन्होंने डॉलर अकाउंट, यूरो अकाउंट खोल के रखे हुए। अब ऐसे लोग जो घर में जमा करके रख देते हैं, चाहे वो करप्शन के हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हो, चाहे ब्लैक मनी के हो, चाहे कैसे भी हो, वो फॉर्मल इकोनॉमी तो आ ही नहीं रहे ना, वो तो गिने ही नहीं जा रहे क्योंकि वो अकाउंटों में ही नहीं है। फिर हमारे पास डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, मतलब डॉलर की कमी है पर इतनी भी कमी नहीं है जितनी हमारे मुल्क में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि स्मगल होके अफगानिस्तान जा रहे हैं। अभी तो सर सुनने में आया है कि केपीके के लोग अगर कहीं फॉरेन जाना होता है, एक दिन पहले अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से डॉलर खरीद के फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। उनको तो कोई भाई सौ सवा इसमें सौ रुपए का फर्क पड़ता है। आपने आपने बोला कि जो पाकिस्तान के पास तकरीबन 13 बिलियन के करीब है, इसमें कुछ ऐसे भी डॉलर्स हैं ना, ऐसे भी है कि जो हम खर्च नहीं कर सकते, जैसे कि
सऊदी अरब ने हमें कुछ डॉलर दिए हुए हैं या यूएई ने दिए, चाइना ने भी दिए, वो हम उनको यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो उसका फायदा क्या है कि वो हमारे पास पड़े तो हुए हैं लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर ये पड़े हुए हैं तो आपका पाकिस्तान का जो डॉलर रेट है वो 302 पे है ओपन मार्केट में, और इंट्रा बैंक में 297 पे है। ये नहीं होते तो फिर सोचें कहाँ होता, 800, 700, क्या 700 के आसपास होता, अगर ये 8 बिलियन नहीं होते। मैं 8 बिलियन की बात कर रहा हूँ। अब टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। जो देखे पहले जो लोगों के पड़े हुए हैं ना बैंकों में 5.25, गवर्नमेंट वो भी यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो लोगों के पड़े हुए हैं, पर टेक्निकली यूज नहीं कर सकती। पर अगर उनका दिमाग खराब हो जाए तो वो यूज करने पे आ जाएंगे, और ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में। जब हमारे पास न्यूक्लियर धमाके हुए थे और हम पे सेंक्शन लग गए थे 98 में, तो ऐसे ही किया था, लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए डॉलर अकाउंट। तो ये काम भी हमारे साथ हो चुका है। 8 बिलियन जो गवर्नमेंट की स्टेट बैंक में है उसके अंदर से सर आप समझे 6 बिलियन कम से कम दूसरे मुल्कों के हैं, ज्यादातर सऊदी के हैं, उसके बाद 2 या 3 के करीब चाइना के हैं, 1 या 1.5 अरब जो डॉलर है वो यूएई का है। तो वो हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें स्टेबल रख के बैठा हुआ है, भाई ये समझ लें आप, तीन सौ यानी दो पे जेब में रोक के पड़े हुए हैं, बैठा दूसरे को जेब में से पड़े पैसे नजर आ रहे हैं, किसकी जेब में पैसे पड़े बस ऐसा ही है। हैं। अच्छा देव भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आप पाकिस्तान में आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद लोग पंखे बंद करके बैठे हैं, कोई एसी नहीं चला रहा। इस दफा बहुत ज्यादा बिल आए, बिल ज्यादा आने की वजह ये है कि हमारे रेट बहुत ज्यादा है। मेरा खुद घर का जो बिल है काफी ज्यादा आया, मैंने कैलकुलेशन की, तकरीबन जो जब आपके यूनिट्स जो 500 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको सारा जो है वो रेट चेंज हो जाता है, आपका 50 से 60 रुपए पर यूनिट तक चला जाता है। तो भाई इतना ज्यादा पाकिस्तान में रेट क्यों ज्यादा है, और इंडिया में आपसे जानेंगे, इंडिया में जो है बिजली का रेट क्या है? देखें आपको तो पता ही है बिजली का तो हमारे साथ भी मसला ही है। हम लोग तो लाइट के हिसाब से तो हमारी टाइमिंग सेट होती है कि सर लाइट होगी तो इस टाइम पे कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो हमारे मसले कभी खत्म ही नहीं होने। अच्छा इसके अंदर देखें सर, पहली चीज के ट्रांसमिशन के लॉसेस और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पाकिस्तान ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया ना, गौर ही नहीं किया। तो बोलते हो रहे तो होने दो। अब देखें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, दुनिया में ऐसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो 100% लॉसेस को कवर करे, पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो है ना भाई जो 90% लॉसेस को कवर कर ले, रोक ले। पाकिस्तान के पास वो 40-40 साल पुराने ट्रांसफार्मर और तारें, केबलें, बड़े बड़े टावर जो है वो लगे हुए हैं, पुराने सब स्टेशन लगे हुए हैं, पुराने वो लगे हुए सारे। तो सर उसकी वजह से हमारे लॉसेस फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, कुंडा, ठीक है, कुंडा कुंडा हो गया, चोरी हो गई, कराची में तो अभी तक कुंडा चल रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, बस तरीके अलग हैं, कहीं कुंडे चलते हैं, कहीं मीटर पीछे हो जाते हैं, कहीं डायरेक्ट हो जाता है। तो वो चल तो पूरे पाकिस्तान में ही रहा है, तरीके अलग है, हर एरिया का अपना एक तरीका है। तो कराची के कुंडे हैं, लाहौर में मीटर पीछे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो अब देखे इसमें कल जो मैं बात आपसे कर रहा था, पाकिस्तान में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, सिर्फ जो चोरी होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, जो शहरों में कुंडों से, सिर्फ ये 1.2 बिलियन डॉलर के लॉसेस सालाना है, लाइन लॉस हो गया। लाइन लॉसेस बोल रहे हैं। हाँ 1.2 बिलियन सिर्फ चोरी से है। और ये वो नहीं है जो इक्विपमेंट की वजह से, ये चोरी की वजह से। अगर इक्विपमेंट की वजह से जाएंगे तो ये तो 5-6 को भी क्रॉस कर जाता है, 5-6 बिलियन डॉलर सालाना। तो एक पहली चीज ये बिजली, दूसरी महंगी क्यों है, हम कोयले की खदानें हैं पर हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने ध्यान दिया नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बिजली कोयले के बाद बनती है, डैमों से, डैम हमारे पास गिनती के हैं, वो भी अब पुराने हो चले हैं। आपको पता ना डैम हर 100 साल के बाद तोड़ना पड़ता है, जी तो हमारे जी डैम को 70 साल हो चले हैं, डैमों को जितने भी हैं। तो हमारे पास वो उसके ऊपर भी कोई प्लानिंग नहीं है हमारे मुल्क की। अच्छा इससे आगे हम आगे चले, जो तीसरी वजह है जो तेल हो गया या जो गैस होती है। अब सर तेल और गैस जो है वो हम लोग उधार पे लेते हैं, हमें भाई तेल इतना भेज दो हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। जो 6 महीने बाद पेमेंट करता है सर उसको डिस्काउंट तो कभी भी नहीं मिलता, डिस्काउंट तो उसको मिलता है जो हाथों हाथ रेट भी कैश ज्यादा पेमेंट लगेगा, करे। उसको रेट भी ज्यादा लगेगा।
हाँ तो रेट ज्यादा लगेगा, मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा लगेगा। वैसे तो 2 महीने तो होता ही है आपका, वैसे तो ऑयल की पेमेंट जो होती है वो आपको 2 महीने में करनी होती है, 60 दिन में, ठीक है। हम लोग तो 2 महीने से तो ज्यादा ही मांग लेते हैं, हम तो बोलते हैं 6 महीने, साल, 1.5 साल। अभी सऊदी के साथ डील हुई है, जो आज तेल सऊदी से आ रहा है उसकी पेमेंट हम 1.5 साल बात करेंगे। तो अब 1.5 साल का इंटरेस्ट रेट भी तो सोचें, फिर उसका रेट भी तो सोचें। तो अब उसी तेल से ही तो ऑयल, वो पेट्रोल बनता है, तो पेट्रोल तो होगा ना महंगा। फिर हमारे पास डॉलर नहीं है, पेमेंट हमें डॉलर में करनी है, डॉलर की कमी वैसे वैसे ही एक तंगी कमी है। फिर आप डॉलर की पेमेंट आउटफ्लो भी आपका बढ़ जाता है, आप अपना आउटफ्लो खुद बढ़ा रहे हो ना। जहां अगर 4 बिलियन जाने हैं तो आप 1.5 साल की लेट पेमेंट करते हो, आपको महंगे रेट पड़ते हैं, आप 4 बिलियन की जगह 4.5 बिलियन डाल रहे हो, 700-800 मिलियन डॉलर आपके जाया हो गए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे ये अमाउंट सही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। जी तो जी आपने वो ज्यादा दिया बिला वजह के, 800 मिलियन डॉलर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ही है, ठीक है। दुनिया में तो लोग इतना तो उड़ा भी देते हैं अयाशियों में। इसके बाद अगर हम इसके अंदर दूसरी चीज जो आ जाए, गैस, वो भी हमारे ऐसे उधारों पे डिले आती है, क्योंकि गैस के भी प्लांट जो हमारे पास चलते हैं बिजली के, वो भी डिले है। जी सुई गैस में गैस खत्म हो रही है, मुल्क सोचता ही नहीं, विजन ही नहीं है। अब 2025 में जब गैस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी, फिर सोचेंगे अब हम क्या करें। अरे तुम्हें भी 5 साल पहले से पता है, तुम पहले सोचो ना, 5 साल है ना तुम्हारे पास, 5 साल में कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, जैसा तैसा ही सही, 50% सही निकलेगा ना, तो वो करो। इंडिया में सर देखे ट्रांसमिशन लॉसेस तो नहीं होते बिजली के, क्योंकि उन्होंने पूरा अपडेट किया है नया सिस्टम। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, और इस वजह से इंडिया में जो थोड़ी बहुत लोड शेडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। लेकिन अब उसको भी कैसे कर रहे हैं, उसका भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो 10 साल लगेंगे इसको भी खत्म होने में। डिस्ट्रीब्यूशन को सारे नए इक्विपमेंट, लेटेस्ट मीटर, वो कार्ड वाले रीडर जो मीटर होते हैं, कुंडा लग ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, कार्ड में जितना यूनिट होगा उतना ही चलेगा, कुंडे की भले वायर उसके अंदर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अब टीयर 1 सिटीज में नहीं जाती, टीयर 1 सिटीज में ही हो चुका है। अब टीयर 2 में काम चल रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीयर 3 में होगा, फिर 4 में होगा, फिर गांव देहातों में होगा। ये 10 साल में इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को खत्म किया जाएगा, सारे वायरिंग भी नहीं लगाई जाएगी, सब स्टेशन जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर नए लगाए जाएंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी ताकि कुंडों की भी पॉसिबिलिटी कम से कम हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें की जाएंगी और वो हो रही मैंने है, भाई बड़े एक शहरों देखा में तो हो था, भी चुकी है। जी एक वीडियो मैंने देखी थी, हमारे प्यार वाले दोस्त हैं उन्होंने भेजी थी, उनके लगा हुआ, वो कह रहे कि जो आप कह रहे हैं ना अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड नहीं भी उसके ऊपर भी उन्होंने प्लास्टर चढ़ाई हुई है, तारों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाई हुई है ताकि वो किसी को करंट ना लग सके वहां पे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का एक है, वो वहां पर वो है ना कि बहुत पहले से ट्रांसमिशन भी प्राइवेटाइज किया हुआ है, जनरेशन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज किया हुआ है। तो प्राइवेट कंपनियां पैसा अलग लगाती हैं, गवर्नमेंट अलग लगाती है। अब गवर्नमेंट अगर पूरे इंडिया में पैसा लगाने बैठ जाए तो सर ऐसे तो फिर कोई अंत ही नहीं है पैसों की। तो आपने वो कुछ तो भाई प्राइवेट पे डाल उधर दिया, उधर कुछ रेट आपने कितने खुद कर हैं, लिया। रेट क्या है सर वहां अभी पर, मैंने ऐसे ही है जैसे अभी मैंने हमारे। गु... ना 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 सर, हमने तो अभी गुड़गांव पे बात की, तो गुड़गांव में वो उधर भी वो होता है स्लैब होता है, पहले 100 यूनिट इतने के, फिर 200 यूनिट इतने के। तो वो जो पहले जो होते हैं वो 3.5 रुपए के, गुड़गांव में जो बात की, सिर्फ 3.5 रुपए 3.5 रुपए पहले 100 यूनिट। उसके बाद आपके होते हैं 5.5 या 5 रुपए के आसपास, फिर कोई 6.5-7 रुपए के आसपास होते हैं। और जब बिल आता है तो बिल जो आता है वो एवरेज बन के आता है। तो इनका जो बिल आता है, इनके घर में 3 AC हैं, ठीक है, और फ्लैट में रहते हैं, तो वैसे तो लाइट वाइट इनके पास जाती नहीं, तो 24 घंटे लाइट भी है। हमारे पास तो लोड शेडिंग होने के बावजूद भी हजारों लाखों के बिल आ जाते हैं, तो इनके लाइट भी नहीं जाती। जी, 12,000 रुपये, 12,500 रुपये महीने का बिल आता है, 3 AC के साथ। 3 AC और 24 घंटे लाइट के साथ। टीवी भी होता है, फ्रिज भी होते हैं, पंखे होते हैं, ट्यूबलाइटें होती है, मोबाइल, लैपटॉप चार्ज होते हैं, इस्त्री होती है, वॉशिंग मशीन होती है। हमारे पास तो सर 12 घंटे में मेरा 1.5 लाख बिल आया है पिछले महीने का, मैंने आपको बताया भी था, आपका शायद कोई 55,000 के आसपास आया है। जी 55,000 आया मेरा। और मैं अकेला रहता हूँ, आप फैमिली के साथ रहते हैं, आप सोचो मेरे साथ कितना जुल्म है। तो भाई हम भी अभी भी ये पूरा कंट्रोल करते हैं कि फैमिली सारी एक ही पंखे के नीचे बैठी होती है, रात को एक ही AC चलता है, सारी चीजें बाकी बंद कर देते हैं, जब स्त्री चलती है तब भी सारी चीजें बंद करते हैं, बड़ा कंट्रोल करके ये इतना आया बिल हमारा।
नहीं अब सर मेरा तो थोड़ा यूसेज थोड़ा ज्यादा है, आपको पता है मेरे घर में ही ऑफिस है, तो वो इक्विपमेंट ऊपर का काफी लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक, पर उसके बावजूद भी सर मैं अकेला रहता हूँ, वैसे घर का कितना खर्चा होगा, एक फ्रिज ही तो चलता है, पूरे महीने में वॉशिंग मशीन एक बार चलती है, डीप फ्रीजर वगैरह है नहीं, टीवी मैं देखता नहीं, एक कमरे में बैठे मुझे वैसे भी अंधेरे का शौक, छोटा बल्ब बड़ी ट्यूबलाइट भी हम नहीं जलाते, एक एसी चलता है, तो आप इससे अलग, और फिर 12 घंटे लाइट लग जाती है, अब वो जो जी लाइट जाती है 1.5 लाख का बिल भरो, फिर लाइट वो जनरेटर, पहले तो यूपीएस के खर्चे, यूपीएस अगर आउट हो जाए तो उसके बाद फिर जनरेटर गैस पे चलेगा, और अगर खुदा ना खास्ता रात को लाइट गई तो वो गैस की लोड शेडिंग, तो फिर पेट्रोल के खर्चे, क्योंकि फिर रात को पेट्रोल पे चलाना है जनरेटर, तो हमारी जिंदगी, आप बिजली का कभी बिल ना देखें, आप बिजली का बिल प्लस यूपीएस का खर्चा प्लस जनरेटर की गैस और फिर जनरेटर का पेट्रोल, ये है हमारे टोटल मसले मसाइल। और उसके साथ अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ होती तो फिर तो ट्रिपल बिल हो जाना था। सर ये कि मुझे थोड़ा 50,000 ज्यादा लगा, 1 लाख तक तो मेरे घर का बनता है, क्योंकि उधर ऊपर ऑफिस में इक्विपमेंट बहुत ज्यादा लगे हुए, तो फिर भी 50,000 बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ज्यादा होता है 1 महीने के साथ, और इसमें देखिए इस पूरे में 1.5 लाख में गैस है ही नहीं, पेट्रोल की बात मैंने नहीं की, वो अलग खर्चे हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अच्छा दीपक भाई, अब पेट्रोल की जनाब आते हैं, आप हैदराबाद भी जाते रहते हैं, अंदरूनी सिंध भी सफर करते हैं अपनी गाड़ी से, कैसा महसूस होता है? अब इतना ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, तो दिल करता है कि अपने सर को पीटें या इनको गालियां दें, जितना रेट बढ़ गया हमारे पेट्रोल का। पर पहले तो हैदराबाद जाता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक कार लेके जाता हूँ, तो उसमें तो मुझे इतनी अच्छा टेंशन नहीं होती, अंदरून सिंध जब वेरी घुसता गुड। हूँ ना वो पे डीजल वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि अंदरून सिंध तो इलेक्ट्रिक तक जाएगी नहीं, उधर चार्जर ही नहीं है, तो वो उधर फिर सर पता चलता है कि हाँ महंगा ही है, हाँ भाई जेब ढीली हुई है, वो उधर पता चलता है। अरे सर एक वो होता था, मुझे अपना बचपन का याद है, मेरे घर वाले जाते थे ना कभी 6 महीने में कभी सोना वोना ले लिया, तो वो सोना के पेमेंट नहीं इतनी बड़ी, इतने कैश में करते थे, 50-60 हजार का सब तोला होता था, अभी जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मेरे पास 50-60 हजार कैश में होता है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के लिए, सिर्फ डीजल के लिए इतना कैश हम सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए लेके घूमते हैं, टंकी से हमारी सिर्फ मेरी गाड़ी की टंकी डीजल की सिर्फ 17-18 हजार में जाके फुल होती है, आप इससे अंदाजा लगा लें। जुल्म है भाई। तो इसका असरा, तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है भाई, तो ये आम बंदा जो है हमारा पाकिस्तान के अंदर जो मजदूरी करता है या मुलाजमत करता है, आपके पास भी मुलाजमत करते हैं लोग, आपको पता भी होगा, लोग जो 20-25 हजार सैलरी वाला बंदा जो है वो कैसे सरवाइव करेगा इतनी महंगाई। इसके पहले बताएं असरात कितने पड़ते हैं, हमारी जो दालें हम खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, गंदम आटा जो हम खरीदते हैं, उस पर कितने असरात पड़ते हैं ये सारी चीजों के। लेकिन सर पेट्रोल महंगा होता है तो आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, फिर आपने टैक्सेस भी बढ़ाए हैं, तो आपका जीएसटी जो सेल्स टैक्स, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स लगता है सिंध का पंजाब का, वो अलग हो जाता है, आप पाकिस्तान में काफी चीजें इंपोर्ट भी होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें जैसे कुछ इंपोर्ट नहीं होती तो उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, बनती पाकिस्तान में, खाने पीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसमें देखें तो वो जब इम्पोर्ट हो रहा है तो वो डॉलर बिल लग रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो वो देखें महंगाई एक तरफ से नहीं लगती, हर जगह से लगती है, डॉलर की वजह से भी लग रही है, ड्यूटी भी लग रही है, लॉजिस्टिक और पेट्रोल महंगा है, तो फैक्ट्री से पूरे मुल्क में वो चीजें पहुंचाने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा आता है रोडों पे वो अलग खर्चा है, तो ये सारी चीजें सर उसके अंदर अकाउंट होती हैं। अगर सर मैं अपने जो मेरे पास मुलाजिम है मैं उनकी बात करूं, सर वो दिन में 2 या 3 जॉब्स करते हैं, ठीक है, अच्छा अपनी जरूरत पूरी करने के, और सर वो 2-3 भी उनका पूरा तब जाके होता है जब जो हम लोग हैं उसको महीने का राशन हमारा बांधा हुआ है, तो हम महीने का राशन दे देते हैं, उसके घर में कोई 5 लोग हैं तो हम लोग महीने का कोई 35 किलो राशन, पूरा तेल चावल चाय की पत्ती आटा और चीनी ये मिला के हम उसको दे देते हैं, तब जाके उसकी पूरत होती है, बोलते हैं भाई अगर आप देवक भाई अगर आप हमें राशन ना दो तो हमला तो काम हो गया हमारा पूरा, हमारा 2 वक्त की भाई, जो रोटी का भी आम कंफर्म बंदा हो गया। है, एक आम बंदा है, आप तो देखे राशन दे देते हैं, आपका तो आपने उनके ऊपर एक आपकी ये शफकत है, प्यार है आपका उनके साथ, तो आम जो बंदा है 20-25 हजार मैक्सिमम कमाता है पाकिस्तान के अंदर, ये इससे बाकी कम ही है, 15 से 25 तक
ये कमाते हैं, आप 20,000 लगा लें, 22,000, क्या आप समझते हैं 20-22 हज़ार में एक घर जो चल सकता है? सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरे मुलाजमों की यही तनख्वाह, ये 3 नौकरियां 2 नौकरियां करके इतना ही कमाते हैं, 22 23 24 के आसपास कमाते हैं। तो तब जाके ये मेरे को कहते हैं कि अगर आप हमारा राशन बंद कर दो तो हमारा तो 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाएगा, तब जाके ये हमें ये बोलते हैं। ठीक है, तो आप तो यही सभी के साथ है। और एक चीज और है, ये देखें एक चीज है कि जो 22 23 हज़ार रुपये कमाता है ना, उसके घर में 3 4 जने काम करने वाले थे, वो एक जना कभी भी काम नहीं करता, पहली चीज। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि यार मुल्क के हालात की वजह से हर कोई काम कर रहा है। मैं बहुत फेवर में, मैं चाहता हूं कि घर में हर कोई काम करे, घर में जितने बंदे अगर 18 से ऊपर हैं उनको कमाना चाहिए। लेकिन लेकिन मजबूरी से काम ना करें, लेकिन मजबूरी ना बिल्कुल हो उन्हें। ऐसी भी मजबूरी ना हो कि पेट की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी हाँ ख्वाहिशों जी, की मजबूरी भले हो, पर पेट की जो मजबूरी है ना कि 2 वक्त का खाना भी पूरा ना पड़े, वो चीज है ना। मुझे ये चीज, मुझे इसकी वजह से मुझे वो थोड़ा दुख होता। नहीं तो मैं जो घर में का जिस मुझे आज भी याद है, जब शुरू शुरू में हम छोटे थे, स्कूल छोटे क्या स्कूल कॉलेज में थे, तो जिन लोगों के घर में एक जना काम करता था, हम लोग तो उसको सुना देते थे, हम तो गालियां देते थे कि बाकी के हड्डा राम है। हमारे दोस्त भी थे, हमारे को सारे दोस्त थोड़ी ना काम करते थे, हम तो दोस्त को भी बोलते थे कि तो तेरे बड़े भाई का ही काम है या तेरे बाप का ही काम है कमाना, तेरी माँ और बाप दोनों कमा रहे थे, तू क्या कर रहा, तू भी तो 18 से तो ऊपर हो ही गया, थोड़ा बहुत तो ला ही सकता है, तू लाख रुपए नहीं ला सकता, तू 20 25 हज़ार ऑनलाइन जॉब है, फ्रीलांसिंग है, करके ला ही सकता है, पूरा दिन हमारे साथ बैठ कर रुल रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। तो हमें ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन आज जब देखता हूँ ना, लोग काम कर रहे हैं, एक घर में 4 4 जने काम कर रहे हैं, फिर भी फर्क पूरा नहीं हो रही, इतनी महंगाई हो गई है। बिल्कुल ऐसे घर की खवातीन भी अब जॉब कर रही हैं पाकिस्तान में। हालांकि आपको पता, ट्रेंड नहीं था पहले, अपनी हाँ औरतों को बाहर नहीं निकालने देते थे, अब तो खवातीन भी काम करती हैं, उसके बावजूद घर का पूरा नहीं पड़ रहा। खुदकुशियां भाई हो रही हैं, खुदकुशियां, आपको पता होगा कि रोज कोई ना कोई खबर मिलती है कि बिल्कुल जी आज खुदकुशी हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जी हालात, माली हालात की वजह से। तो क्या गवर्नमेंट क्यों नहीं इस तरह के इकदाम करती? अब जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि कुछ इंडिया के अंदर जो फ्री राशन स्कीम चल रही है, BPL जो है उनका, इस तरह की को पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए कि चलो किस 2 वक्त की रोटी तो कम से कम बंदे को गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, जिसका कोई कारोबार नहीं, कि जिसका कोई जॉब नहीं है। सर देखें, अब इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान का तो देखें जॉब का, इसमें मैं थोड़ा ये भी बताऊं, कोविड का भी इसमें बहुत लेना देना है। कोविड में नौकरियां गई, प्लस जब नौकरियां गई तो लोगों ने उधार लिए, फिर जब कोविड खत्म हो गया नौकरियां भी नहीं मिली, कंपनियां काफी बंद हो गई, ठप हो गई, चली गई बाहर, और जो उधार लिए हुए थे वो फिर तंग करने लगे, तो काफी लोगों ने तो सुसाइड इस वजह से भी किया है कि उनको वो उधार चुका नहीं पा रहे थे और नौकरी भी नहीं मिल रही थी, दोनों ही काम नहीं हो रहे थे। उसके बाद अगर अभी कट करके, कट टू ये अभी हम आ जाएं, लास्ट 1 साल पे आ जाएं या 6 महीने पे आ जाएं, कंपनियां कितनी गई हैं पाकिस्तान से, कितनी है कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हुई हैं हमारे पाकिस्तान में पिछले 6 7 महीने की अगर हम बात कर लें। सिर्फ सर सिर्फ गाड़ियों के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं मैं, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में 70,000 नौकरियां गई हैं, और टेक्सटाइल की अगर बात करूं तो टेक्सटाइल में करीब 1.5 लाख नौकरियां पूरे पाकिस्तान में गई हैं, और कम से कम 15 लाख नौकरियां गई हैं पिछले 1 साल में। ये ट्रिब्यून की, जो ट्रिब्यून हमारा है उसकी ये खबर थी, उसने हर सेक्टर का लिखा था कि इसमें इतनी गई, इसमें इतनी गई, इसमें इतनी गई, आखिर में उसने टोटल कोई 15 लाख का किया हुआ था, 10 महीने का या 12 महीने का। अच्छा भाई, देखिए आपने ये बात की बहुत कि कोरोना की वजह से सारा हुआ, तो कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया, इंडिया में भी कोरोना आया, तो इंडिया में क्यों? इंडिया में तो सारी चीजें कंट्रोल में है, वहां पर इन्फ्लेशन रेट जो वो भी कंट्रोल में है, जॉब्स भी वहां पर आम मिल जाती है लोगों को, बेरोजगारी भी नहीं है, लोग परेशान भी नहीं है इतने, उसकी क्या वजह है? वहां पर कोरोना ने असरात नहीं दिखाए? देखिए सर, इंडिया तो कोरोना से पहले भी तो उभरती हुई इकोनॉमी थी ना, तो बस कोरोना एक बीच में गैप आया। आपको पता कोरोना में भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रुका, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ये चलती रही, तो 1 2 महीने का गैप आया, शुरू शुरू में काम चलता रहा, और फिर हमने उस दिन डिस्कस किया था कैसे कैसे
यही कोविड के चक्कर में, कोविड में लोगों की मदद करने के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की इंडस्ट्री खोली गई, फार्मा की इंडस्ट्री खोली गई, आहिस्ता आईटी की इंडस्ट्री खोली गई कि भाई कोविड, ये कोविड कोविशील्ड सॉफ्टवेयर वगैरह बनाओ, ये करो वो करो, ये करते करते आहिस्ता ये सारी चीजें खुली। ठीक है, एक ये चीज थी। दूसरी चीज जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया ने कितने ये थे, 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख नहीं, एक 3.5 लाख, 3.5 लाख करोड़ एमएसएमई को दिए कोविड में। 3.5 लाख करोड़ एमएसएमई जो मीडियम साइज के बिजनेसमैन थे कि भाई तुम लोग नौकरियों से मत निकालो, तुम्हें हम तुम्हें पैसे हम दे रहे हैं। जो नीचे के लोग थे जो जॉब करते थे, 80 करोड़, ठीक है, जिनकी सेविंग नहीं होती, जो दिहाड़ियों पे रहते हैं या हैंड टू माउथ होते हैं, जो ठीक है इतनी तनख्वाह आती है जितना महीने का खर्चा है, उन 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिए या घर और पैसे अलग दिए 20 लाख करोड़, और प्लस राशन। ठीक है, तो वो 20 लाख करोड़ में अगर पैसे जा भी रहे हैं तो उनका वो पैसे खर्च तो कहीं पे भी नहीं हो रहे, राशन तो वो फ्री में आ रहा है उनका। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, बड़ी कंपनियों को क्या दिया, बड़ी कंपनियों को उन लोगों ने सिक्योरिटी दी। कैसे, बड़ी कंपनियों को अगर पैसे दे भी देते तो कोविड खत्म होने के बाद लोगों के पास तो पैसा बचा ही नहीं था, तो वो क्या खरीदते क्या उन कंपनियों से, कंपनियां तो फिर भी ठप होती। ये पूरी दुनिया में ऐसे हुआ, पूरी दुनिया ने बड़ी कंपनियों को पैसे दिया, इंडिया ने बोला तुम्हारी गारंटी हमारी है, कोविड खोलने का तुम्हारे धंधे को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें 1 रुपया नहीं दे रहे फिलहाल। लोगों को पैसा दिया, लोगों की बचत कराई, लोगों की नौकरियों को सिक्योर किया। ठीक है, कोविड खत्म हुआ क्या हुआ, लोगों के पास डिमांड भी थी, जेब में पैसा भी था, सेविंग भी थी, वो मार्केट में चीजें लेने गए, खरीदारी की, उससे क्या हुआ कंपनी को कस्टमर मिले, कंपनी को कस्टमर मिले। अब क्या हुआ, अब इधर आता है, कंपनियों का भी नुकसान तो हुआ ना, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो तनख्वाहें दे रही थी, तो अब उनका ये हुआ कि उनको उनके जो बैंक लोन है वो इजी कर दिए, जो छोटे लोन होते हैं ना 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, वो लोन बैंक गवर्नमेंट ने सस्ते कर दिए। ये थी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इसीलिए आप देख लें पूरी दुनिया अभी तक नहीं निकल पाई है कोविड से, सिर्फ इंडिया ही है जो निकल पाया है कोविड से। अमेरिका में कितनी कंपनियां कोविड से ठप हुई और जो नौकरियां कोविड में गई वो अभी तक लोगों को दोबारा नहीं मिली है। चाइना का भी यही हाल है, चाइना तो अभी भी सफर कर रहा है, आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी चाइना का तो फिर जो चाइना के तो बहुत सारी वजह है, उसका कोविड इतनी बड़ी नहीं है, कोविड से ज्यादा उसकी दूसरी वजह है, कोविड उसने खुद बनाया था तो उनको कहां से होना था, लेकिन उसकी दूसरी वजह है चाइना की, डिफ्लेशन है उसका, दुनिया से ट्रस्ट जो उसके ऊपर से उठा है, सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, दुनिया अपनी सप्लाई चेन भी अलाइन कर रही है, उसके अलावा जो बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं चाइना से, चाइना को आइसोलेट जो किया जा रहा है डिप्लोमेटिकली। आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया और रशिया को छोड़ के किसी किसी मुल्क को अपना दोस्त बोल सकता है? नहीं बोल, तो नॉर्थ कोरिया तो दुनिया का सबसे सेंक्शन मुल्क है, उसकी खुद की कोई इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान वैसे ही चाइना से भीख मांग रहा है, रशिया जंग में लगा हुआ है, रशिया कोई इतना वो नहीं है, रशिया को पता है कि एक दिन आएगा, उस एक दिन पे चाइना पलट के रशिया पे भी हमला करेगा, तो रशिया रहता है दोस्ती करता है क्योंकि दोनों का दुश्मन अमेरिका है, लेकिन वो अपने आप उसको पता है कि मेरा फ्यूचर का दुश्मन चाइना है, चाइना घूम के आएगा जरूर मेरे पे। यानी वो बिच्छू वाला हाल है, जो कछुए के ऊपर बैठा होता है और वो दरिया पार करवा रहा है लेकिन वो ऊपर से डंक मार रहा है उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। चले दीपक भाई, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ भी हमारे जो हुक्मरान है वो नजर करें, पाकिस्तानी कौम की हालत के ऊपर भी कुछ रहम करें, कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि जो जिस तरीके से बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, ये सारे रेट आए दिन बढ़ते रहते हैं और रोज खबर आती है। हम जब भी टीवी चलाते हैं, तो आप तो नहीं चलाते टीवी, आप तो थोड़ा सा, लेकिन हम जब भी टीवी चलाते हैं हमें तो नजर आता है सामने स्लाइड चल रही होती है जी, बिजली के इतने रुपए यूनिट के बढ़ गए, आज पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आज डॉलर ऊपर चला गया, आज हमारे फॉरेन रिजर्व इतने रह गए, तो मैं तो देख देख के ज़हनी मरीज सर बन चुका हूँ। एक चीज में आपको एक एडवाइस है मेरी, आपको भी और हमारे सारे देखने वालों को भी, हालात है ना दुनिया के और पाकिस्तान के बहुत बुरे हैं, ठीक है, इतने बुरे होंगे जितना शायद हम बता भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को बोलूंगा पढ़ा ज्यादा करो और न्यूज चैनल तो बिल्कुल ही ना देखा करो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जिसको लंबी जिंदगी चाहिए ना, चाहे वो इंडिया के न्यूज चैनल हो, अमेरिका के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, न्यूज चैनल तो बिल्कुल भी ना देखा करो, तो आप वो अपना हार्ट अटैक चैनल देने बनाए के लिए ना, पैदा हुआ है। आप अपना चैनल बनाए, हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी दिव्यक भाई का चैनल कब आएगा, तो आपका चैनल जब आएगा तो हम सब देखेंगे मिलके उसे।
सर जब सही वक्त आएगा तब खोलेंगे, फिलहाल तो आपको पता है पूरा दिन हमारा कैसा निकल जाता है कामों में, कल भी हम निकल रहे हैं जा रहे हैं तो वक्त जी इसी में पूरे हो जाते हैं। हाँ, कल से याद आया, कल आपसे मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है। हमारे जो देखने वाले हैं, सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दिवेक भाई से मैं सवालात करूंगा। आपने जो मुझे सवालात भेजे हैं, वो सारे सवालात, जो कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात का आपको जवाब दिया जाए। ये वीडियो आप हमारी कम्युनिटी के अंदर मैंने पोस्ट लगाई, उसके अंदर आप कमेंट करके अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल वहां पर जरूर भेजें। हम तो हम कल दिविक भाई से स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपके तमाम सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दिविक भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया आप सर, थैंक यू, बहुत प्यार करते हैं हमसे, शफकत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।